फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, वो भी ओप्पो के मोबाइल में। फ्रेंड्स, ओप्पो A52 में या फिर ओप्पो के किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर यही सब बात करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। लाइक करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे साउंड वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेगा। तो यहाँ पे रिंगटोन वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसको साउंड को बढ़ा देता हूँ और यहाँ से आप डिफरेंट टाइप के आप रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जरूर बताइए कमेंट के, वीडियो कैसा लगा है। बस इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका सेट हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि मुझे अलग से लगाना और रिंगटोन तो कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे फाइल सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो भी आपको पसंद है वो वाली पे बस उस पर क्लिक कर देना है और आपका लग जाएगा। बस आपको क्लिक कर देना है और वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो भी आपको पसंद है वो यहाँ पे आपको क्लिक करके लगा लेना है और इसको बैक कर देना है। तो इसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मैसेज रिंगटोन भी, नोटिफिकेशन रिंगटोन भी, डायल पे टोन भी, इन सब को भी कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।